गाइस तो नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया है हमारी मेमोरी लाइन। हम गए थे पुराने ईयर में 2020 में थाईलैंड। ये देखिए अभी हम जनवरी का टाइम है, ठंडा हो रहा है, तो हम कैब से जा रहे हैं दिल्ली टर्मिनल 3 एयरपोर्ट, और टर्मिनल 3 एयरपोर्ट करके हमने अपनी फ्लाइट पकड़ ली है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एयरवेज की फ्लाइट है और इसमें हम बैठ के हमने अपनी ट्रैवल स्टार्ट कर दी है। तो गाइस ये फ्लाइट थी दिल्ली टू फुके, नॉन स्टॉप फ्लाइट थी 4 घंटे की, और हमें करीबन वहाँ के टाइमिंग के अनुसार अगर देखा जाए तो सुबह के हम लोग 10 या 11 बजे के आसपास हम वहाँ लैंड हो गए। और इमिग्रेशन वगैरह करने के बाद ये देखिए हम फुके सिटी पहुँच गए। ये फुके सिटी का है, हम यहाँ बैठे हैं, फुके सिटी की रोडें दिखा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी रोडें हैं, क्लीनलीनेस इंडिया के कंपैरिजन में बहुत अच्छा क्लीनलीनेस है यहाँ पर। और ये देखिए हाई राइज बिल्डिंग्स, ग्रीनरी, सभी चीज़ मेंटेन किया गया है फुके थाईलैंड में, और जो कि हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ देख के। और कोई भी गाड़ी तेज भी चला रहा है, धीरे भी चला रहा है, लेकिन अनवांटेड हॉर्न कोई नहीं कर रहा है या फिर नॉइस पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो हमारा एक रिजॉर्ट था वहाँ पे, और ये रिजॉर्ट में कुछ ग्रीनरी इस तरह की थी। हम देखिए गाइस, मैं दस को झूला झुला रहा हूँ और देखिए अभी क्या होने वाला है गाइस। सो गाइस अभी हम रात का वक्त हो चुका है तो रिजॉर्ट के बाहर आ गए हैं। कुछ सोच रहे हैं कि थाई फूड नहीं ट्राई करके कुछ थाई में वेज ले, लेकिन वेज कुछ भी नहीं, सब यहाँ मच्छी की है। ये दूसरे दिन का है, तब हम 4 आइलैंड टूर पे गए हैं। ये देखिए दक्ष भी यहाँ वी बनाते हुए, और स्पीड बोट में हैं हम। अब 4 आइलैंड टूर है हमारा, तो बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे, क्योंकि फुके में आप पटोंग बीच के आसपास आपको मिल जाएगा, आप ट्रेवल वाले से 4 आइलैंड टूर ले सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है कि सुबह ले जाते हैं और रिजॉर्ट में वापस भी छोड़ देते हैं। तो इस तरह से दर्शन की मजे चल रहे हैं। फिर हम सबसे पहले पहुंचे यहाँ पर जो फेमस बीच है, जो कि आपने अभी हम वहाँ पे लंच वगैरह भी इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा होता, तो हम अभी अपने बोट से वहाँ लंच के लिए जाने लगे। और देखिए कितना सुंदर रास्ता बनाया हुआ है, बैम्बू ट्रीज दोनों साइड पे हैं, और इसी तरह से अलग अलग बीचेस में देखिए दक्ष की मस्ती, वहाँ पे दक्ष और मज़े कर रहा है और हमारे मज़े देखिए क्या हम कर रहे हैं। सो गाइज इसी तरीके से हम लोग वहाँ गए थे, अलग अलग बीचेस हैं, लगभग सारे बीचेस के कुछ ना कुछ अलग अलग चेंजेस होते हैं, बट ऑफ कोर्स बात है बीच है सब एक जैसे ही लगभग लगभग होते ही हैं। और ये अलग अलग बड़े बड़े वहाँ पर जो माउंटेन्स बने हैं, ये कहते हैं सी सिकाफ गली है, तो
तो ऐसे देखिए नेचर के ग्राफ करे हुए स्ट्रक्चर्स हैं और माया बेबी आइलैंड है वहाँ और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो उन आइलैंड का टूर जो ये कराते हैं बहुत अच्छा लगता है। देखिए अभी हम किसी और आइलैंड में पहुँच गए हैं और अलग अलग आइलैंड्स के अलग अलग नाम रहते हैं। कोई तो आपके उनके नाम पे होता है उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे टर्टल वाला या फिर कोई जॉनी डेप, इस तरह से अलग अलग नाम रहते हैं। और ये देखिए उससे ले जाने से पहले ये कुछ हमें ब्रीफिंग देते हैं कि आपको हम कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं और आपको क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो ये कुछ आप देखिए और सुन भी लीजिए। गाइस हम उन आइलैंड टूर में से ये मंकी आइलैंड के पास आए हैं। आप देख सकते हैं ये मंकी आइलैंड है और यहाँ मंकीज रहते हैं और कई लगूंस वगैरह ऐसे होते हैं जो हम लोग वहाँ उतर नहीं सकते, सिर्फ ये दूर दूर से ही हमको दिखाते हैं कि वहाँ के पोलर्स वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए वो आइलैंड बंद होते हैं टूरिस्ट के लिए। तो ये बाहर बाहर से दिखा रहे थे और इस तरीके से स्पीड बोट चलती है, बहुत अच्छा लगता है गाइस। और चिलिंग एक्सपीरियंसेस हैं और मतलब अपनी लाइफ में आपने अगर ये ना किया तो क्या किया है ना गाइस। तो आपको जब भी जाना हो आप टूर बनाइए कहीं का भी और ये ज़रूर एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि वन लाइफ है और हमें हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए। क्यों गाइस आप सहमत हैं कि नहीं, कमेंट भी लो। सो गाइस ये दूसरे दिन भी हम लोग को इतना अच्छा आइलैंड टूर लगा, हम फिर चले गए दूसरे दिन भी आइलैंड टूर पर। और देखिए फिर वहाँ की अलग मस्ती करी हमने। ये देखिए कुछ वहाँ पे आइलैंड था, ये खराबी एरिया के पास के आइलैंड्स हैं सारे और इतना सुंदर लगता है गाइस मैं बता नहीं सकता, मतलब मेरे वर्ड्स कम पड़ जाएँ। इतना अच्छा है वहाँ की कोरल्स, वहाँ के रीफ्स, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का सब चीज़, मतलब नेचर एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना एंजॉय कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि नेचर बहुत अमूल्य चीज़ है हम लोगों के लिए और वही चीज़ देखने लायक है यहाँ जो हमें इंडिया में नहीं मिलता है। और ये देखिए फिर गाइस ये फिर किसी दूसरे एक और आइलैंड में वहाँ के कोरल्स दिखा रहे हैं, अलग अलग आइलैंड्स रीफ्स वगैरह दिखा रहे हैं। और गाइस फिर देखिए दक्ष भी हमारा पैरासेलिंग करने को तैयार हो गया है, वो कह रहा है कि मैं खुद जाता हूँ और पैरासेलिंग करूँगा। और फिर उसके बाद थक हार के हम घर आ गए, बट दक्ष का थकान कुछ लगी नहीं और वो स्विमिंग पूल में अभी भी अपनी मम्मी के साथ तैरने में लगा हुआ है। फिर दूसरे दिन सिटी टूर था, सिटी टूर में हम लोग गए डॉल्फिन शो देखने के लिए। सुबह डॉल्फिन शो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे डॉल्फिन सी और इनके पास एक ब्लू वेल भी थी। और देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे से ट्रेंड हैं वो, एंजॉय करिए। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा था बुद्धा स्टैचू जो हम गए थे वहाँ जल्दी जल्दी देखा। फिर उसके बाद हमारा क्योंकि कैब थी फटाफट कैब में बैठे और हमने दौड़ लगाई जो कि था नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा टाइगर किंगडम। उसी के पास गो कार्टिंग भी होती है
वहाँ भी हम गए थे बाहर बाहर ही, और टाइगर किंगडम में अलग अलग टाइगर्स मिल जाते हैं। देखिए दक्ष की बाहर अभी मस्ती चल रही है। नो गाइस, शाम को हम लोग गए वहाँ के कल्चरल इवेंट को देखने के लिए। बहुत बड़ा हॉल सा होता है वहाँ पे, डिनर वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके टिकट वगैरह लिए जाती है। वहाँ पे शो होता है बकायदा, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट का शो होता है, और अलग अलग यहाँ पे आकृतियाँ बनाई हुई होती हैं रिप्रेजेंबलिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और उनके वो और बच्चों के लिए भी खेलने कूदने का रहता है घर पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये उधर ही पे अलग जहाँ बिल्डिंग है उसी के पास का है, वहाँ पर देख सकते हैं ये ड्रैगन जा रहा है, और यहाँ पे अंदर पे ही शो था, तो हम लोग शो देखने के लिए गए। शो देखने से पहले अगर आप डिनर करना चाहो तो शो देखने से पहले आप डिनर भी कर सकते हैं, तो हमने कहा चलो डिनर ही कर लीजिए। देखिए गाइस इतना लोगों का, मुझे लगता है कम से कम 10,000 से ऊपर लोग यहाँ डिनर या एकोमोडेट कर सकते हैं, और डिनर में भी जो ऑप्शंस इतने दे रखे होते हैं बहुत सारे होते हैं, इंडियन एशियन कॉन्टिनेंटल चाइनीज एक्सेट्रा। और ये देखिए बाहर का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, एकदम पूरा इनने अपना कल्चर थाई कल्चर दिखाया। यहाँ पे हम थक गए गाइस, और अभी हम फिर चलनी है फुके से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है थाईलैंड की कैपिटल सिटी, दैट इज बैंकॉक। तो गाइस हमारे इस ब्लॉग चैनल पे बने रहिएगा, हम आपको नेक्स्ट पार्ट पे दिखाते हैं बैंकॉक सिटी। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, दैट इज दीपक टमटा। To subscribe, like and comment and share to our channel, and have a nice day. मिलते हैं next video में guys, हमारा next video होने वाला है Bangkok City का, तो भूल के भी कहीं मत जाइएगा, हमारे channel पे ज़रूर आइए, और next city that is Bangkok City का tour हम आपको virtually करवाते हैं। मिलते हैं next video में, तब तक शुभ प्रभात, धन्यवाद।